Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with second chapter of class eight ICSE mathematics, that is exponents or powers. In this class, we will complete exercise second A from the book Selina Coincide. So let's get started. So before starting this chapter, first of all, we should know the basic terms related to exponents and power. So whatsoever that basic terms that we are going to study now. So first basic term we are having. For example, we are having any term in the form of power. For example, I am having 2 raised to the power 5. Okay. And this 2 is known as 2 is known as base. And whatsoever power is there, whatsoever in above is there, that is known as either power, you can say, or either you can say exponent fine so here we are having mainly two terms first we are having base which is in downside and next we are having superscript of 2 that is 5 5 is nothing but a power and exponent clear second formulas we are having that formulas we have to learn properly first formula is for example if we are having a the power m multiply a the power n means we are having base same whenever we वी आर हैविंग सेम बेस इन दैट केस वी हैव टू the द पावर्स जब हमारे पास बेस सेम होगा बेस सेम को ऐसे रख लेना है एज सच जो भी पावर्स होंगी उनकी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होंगी वो पावर्स को हमने ऐड कर लेना है तो पावर्स कितनी आ जाएंगी एम प्लस एन ठीक है आगे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा पहले आप बेसिक नोट कर लो सब कुछ ठीक है तो थर्ड है हमारे पास मेन फार्मूला रिलेटेड टू दिस दैट इज इफ वी आर हैविंग ए दी पावर एम ओवर ए दी पावर एन अगर हमारे पास बेस सेम है बट बेस दोनों क्या है डिवाइड में है पहले ऊपर वाले केस में दोनों मल्टीप्लाई में थे ना अभी दोनों क्या है डिवाइड में है तो जब बेस सेम हो डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है समझ आ गया मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर एड डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस ठीक है अब एक और हमारे पास होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ए रेज द पावर माइनस वन अगर कभी भी बेस की पावर माइनस वन आ जाए ना तो माइनस वन को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है जो हमारा जो ये बेस होता है ना बेस का रेसिप्रोकल कर दो मतलब ए को लिख दो वन बाई ए तो ये जो पावर है ये प्लस हो जाएगी प्लस वन हो जाएगी और फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग टू द रेज पावर माइनस थ्री पावर नेगेटिव में है मेरे को पावर पॉजिटिव में चाहिए तो क्या करोगे आप टू का रेसिप्रोकल ले लोगे क्या बन जाएगा वन बाई टू पावर हो जाएगी पॉजिटिव समझ आ गया ये वाला केस ठीक है तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है बाकी जो फार्मूलाज आएंगे क्वेश्चन में वो मैं साथ के साथ बताई जाऊंगी आपको बट आप ये थ्री फार्मूलाज आप नोट डाउन कर लो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द क्वेश्चन ओके सो हेयर वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू इवेलुएट मतलब हम ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है सोल्व सॉल्व करोगे ध्यान से देखो जो अभी मैंने आपको ये थ्री बेसिक टर्म्स बताया कि आपको जो अगर बेस सेम होगा तो पावर को क्या करना मल्टी है मल्टीपल कर में बेस सेम होगा पावर को ऐड कर देना है डिवाइड में बेस होगा तो पावर को आपने माइनस कर देना है अगर नेगेटिव आ गया तो आपने उसको पॉजिटिव करके कर देना है तीनों तो में ये रूल यूज करके सभी क्वेश्चन को कम्प्लीट करूँगी ठीक है लाइक फर्स्ट वी आर हैविंग थ्री दावर माइनस वन मल्टीप्लाई नाइन की पावर माइनस वन देन वी आर हैविंग डिवाइड थ्री की पावर माइनस टू इसको मैंने सॉल्व करना है इवेलुएट करना है कैसे करोगे देखो अगर कभी आपको पावर नेगेटिव में आ जाए ना सबसे पहले आपको पावर पॉजिटिव बनानी होती है तो पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी देखो ये वन बाई थ्री की पावर माइनस वन है ना तो पावर को मैंने माइनस वन से प्लस वन में कन्वर्ट करना है कैसे कन्वर्ट करोगे आप बेस को कर दो रेसिप्रोकल तो बेस को मैंने कर दिया रेसिप्रोकल अभी जो मेरे पास ये पावर है पावर हो जाएगी पॉजिटिव प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है सिमिलरली मल्टीप्लाई एज सच नाइन की पावर माइनस वन है तो पहले पावर को क्या करो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो कैसे कन्वर्ट करोगे जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दो वन बाय नाइन की पावर वन आ जाएगा ठीक है डिवाइड रखो एज सच देन वी आर हैविंग थ्री की पावर माइनस टू माइनस टू क्या करो प्लस टू में कन्वर्ट करो कैसे कन्वर्ट करोगे बेस को कर दो रेसिप्रोकल पावर हो जाएगी प्लस टू इतना समझ आ गया ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग वन बाय थ्री पावर वन नहीं है मतलब वन बाय थ्री को ऐस एच रख दो बस अगर वन बाई थ्री की पावर टू होता तो पावर टू का मतलब क्या होता कि वन बाई थ्री को मेरे को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अगर पावर वन ही हो मतलब सिंपली आपको ऐसा रख देनी है टर्म को ठीक है मल्टीप्लाई वन बाय नाइन की पावर वन है ना तो पावर वन को भी आप ऐसे रख दो वन बाय नाइन डिवाइड ये कितना आएगा वन बाई थ्री की पावर टू है ना विच मीन्स कि आपको वन को भी टू टाइम मल्टीप्लाई करना है और थ्री को भी टू टाइम मल्टीप्लाई करना है पावर टू का मतलब जो आपके पास ये टर्म है उसको टू टाइम मल्टीप्लाई करना है अगर सिमिलर आप पावर थ्री होती तीन टाइम मल्टीप्लाई कर लेते आप ठीक है तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा वन ओवर थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन देन वी आर हैविंग वन ओवर नाइन ठीक है थ्री थ्री जर नाइन सो सॉल्व इट वन बाई ट्वेंटी सेवन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल ठीक है नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन तो आंसर कितना आ जाएगा वन मल्टीप्लाई वन वन थ्री मल्टीप्लाई वन दैट इज थ्री तो आंसर कितना आ गया वन ओवर थ्री दिस इज योर आंसर ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद थ्री की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई फोर की पावर माइनस वन डिवाइड वी आर हैविंग सिक्स की पावर माइनस वन वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग सेकंड पार्ट आल्सो हमें जो भी यहाँ पे नेगेटिव पावर दिख रही हैं उन सभी नेगेटिव पावर्स को आपने पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर दो थ्री की पावर माइनस वन मतलब बेस मैंने क्या कर दिया बेस को रेसिप्रोकल कर दिया मल्टीप्लाई फोर की पावर माइनस वन है तो उसको क्या करो बेस को रेसिप्रोकल कर दो पावर प्लस वन हो जाएगी तो डिवाइड कितना आ जाएगा सिक्स की पावर माइनस वन पावर को प्लस वन में कैसे कन्वर्ट करोगे बेस को कर दो रेसिप्रोकल मैंने पावर वन पावर वन

नाव वी आर हैविविंग थर्ड पार्ट इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद टू की पावर माइनस वन प्लस वी आर हैविंग थ्री की पावर माइनस वन द होल पावर थ्री होल पावर थ्री आप कैसे सॉल्व करोगे पहले आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है जो ब्रैकेट्स का आपके पास आंसर आ जाएगा वो ब्रैकेट को आपको तीन टाइम बाद में मल्टीप्लाई करना है. कैसे करना ध्यान से देखो देखो टू की पावर माइनस वन है ना माइनस वन को पहले प्लस वन में कन्वर्ट कर लो कैसे प्लस वन में कन्वर्ट होगा वन बाई टू लिख दो बेस को ऐसी प्रवल कर दिया मैंने यहाँ पे लिखो थ्री की पावर माइनस वन थ्री की पावर माइनस वन का मतलब क्या होगा आपको यहाँ पे क्या करना है पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कैसे करोगे बेस को करो रेसिप्रोकल बेस को रेसिप्रोकल कर दे पावर माइनस वन से क्या होगी प्लस वन में कन्वर्ट होगी ठीक है तो कितना आ जाएगा वन बाय थ्री की होल पावर थ्री रखो एज सच अभी क्या करो टू और थ्री का एल्सियम ले लो क्योंकि कभी भी एडिशन करनी है आपको तो आपको सबसे पहले बेस को सेम करना है बेस कैसे सेम होगा एल्सियम लेके तो टू और थ्री का एल्सियम कितना आ जाएगा टू और थ्री का एल्सियम आ जाएगा सिक्स तो एल सी मैंने लिया थ्री डू सिक्स आ जाएगा अभी आपको वन बाई टू को सिक्स बनाना कैसे बनाओगे मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस आपको थ्री को सिक्स बनाना कैसे बनाओगे मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू होल पावर थ्री रखो एज सच कितना आ जाएगा थ्री ओवर सिक्स प्लस टू ओवर सिक्स की होल पावर थ्री इसको सॉल्व करो थ्री प्लस टू ओवर सिक्स की होल पावर थ्री विच मीनस फाइव ओवर सिक्स की होल पावर थ्री अभी फाइव ओवर सिक्स की होल पावर थ्री है मतलब फाइव बाई सिक्स को आपको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो कर दो फाइव बाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव बाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव बाई सिक्स इसको करो सॉल्व आप सॉल्व करने पे आंसर कितना जाएगा देखो फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव सर वन ट्वेंटी फाइव सो हेयर विल बी वन ट्वेंटी फाइव सिक्स सिक्स का थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स सर टू हंड्रेड सिक्सटीन तो हेर आंसर विल बी वन ट्वेंटी फाइव वो टू हंड्रेड सिक्सटीन ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट इन फोर्थ पार्ट वी आर गिवन विद थ्री की पावर माइनस वन डिवाइड वी आर हैविंग फोर की पावर माइनस वन की होल पावर टू तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो थ्री की पावर माइनस वन है पावर को पॉजिटिव कर दो कैसे आएगी वन बाय थ्री डिवाइड रखो एज सच फोर की पावर माइनस वन मतलब वन बाय फोर की होल पावर आ जाएगी टू ठीक है सो वन बाय थ्री डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल कर दो फोर बाय वन की होल पावर टू अभी ऐसे मत करना कि सेंटर में तो डिवाइड है आप बेस सेम करने लगे हो ठीक है अगर आपको प्लस या माइनस सेंटर में गिवन हो तभी आपको बेस सेम करना है डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो आपको सिंपली सॉल्व करना है फिर आप बेस सेम करने मत लग जाना ठीक है तो कितना आ जाएगा देखो फोर वन जेर फोर थ्री वन जर थ्री की होल पावर टू सो होल पावर टू मतलब फोर बाय थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो

प्लस वी आर हैविंग थ्री की पावर टू मतलब थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है थ्री को टू टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सो मल्टीप्लाई वन बाई टू की पावर होल पावर टू है ठीक कितना कितना जाएगा वन बाई टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई टू इतना समझ आ गया ठीक है बस आपने पावर को सिंपली एक बार सॉल्व किया है तो कितना जाएगा टू टू जर फोर प्लस थ्री थ्री जेर नाइन मल्टीप्लाई वन ओवर फोर वन वन जर वन टू टू जर फोर So, कितना जाएगा नाइन प्लस फोर मतलब मल्टीप्लाई फोर थर्टीन ओवर फोर सो आंसर विल बी थर्टीन ओवर फोर ओके सो नाउ वी आर हैविंग सिक्स पार्ट इन सिक्स पार्ट वी आर गिवन विद की पावर टू माइनस थ्री की पावर टू इन टू मल्टीप्लाई वी आर हैविंग टू की पावर थ्री की होल पावर माइनस थ्री इसको मैंने सोल्व करना है मल्टीप्लाई वी आर हैविंग टू ओवर थ्री की होल पावर माइनस थ्री इसको मैंने सॉल्व करना है देखो कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर मतलब फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो फाइव का स्क्वायर मतलब फाइव को टू टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर कितना जाएगा? 25. So 25, मतलब करो, 3, 3, 0, आ जाएगा ट्वेंटी फाइव सो हेयर आंसर विल बी ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करो थ्री थ्री जर नाइन आ जाएगा मल्टीप्लाई ये पावर आपके पास क्या है पावर नेगेटिव है पहले पावर को हमेशा पॉजिटिव बना लिया करो पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी बेस को कर दो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल मतलब अगर आपके पास यहाँ पे टू बाई थ्री

3 2s are 6 6 3s are 18 18 3s are 54 so here answer will be 54 okay next we are having seventh part in seventh part we are given with 1 by 4 ki whole power minus 3 minus 1 by 3 ki whole power minus 3 डिवाइड वी आर हैविंग वन बाई सिक्स की होल पावर माइनस थ्री इसको सॉल्व करना है मैंने ठीक है तो कि देखो पहले सबसे पहले मेरे को ब्रैकेट में यहाँ पे पावर माइनस थ्री की बना पहले पावर को प्लस थ्री में कन्वर्ट कर लो तो बेस को कर दो रेसीप्रोकल कितना आ जाएगा फोर बाय वन की होल पावर प्लस थ्री माइनस यहाँ पे पावर नेगेटिव और पावर पॉजिटिव कर लो कितना आ जाएगा थ्री बाय वन की होल पावर प्लस थ्री मैंने क्या किया दोनों नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर दिया बाय चेंजिंग और बाय रेसीप्रोकलिंग द बेस ओके तो डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे पावर नेगेटिव पावर पॉजिटिव कर दो तो सिक्स बाय वन की पावर थ्री आ जाएगा इतना समझ आ गया ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो फोर फोर बाई वन की पावर थ्री फोर बाय वन की पावर थ्री मतलब फोर बाय वन को आप थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो फोर बाय वन फोर बाय वन इज़ नथिंग बट फोर ओनली फोर बाय वन मतलब फोर ही होता है तो फोर को आप थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर थ्री बाई वन का मतलब क्या हो थ्री बाई वन मतलब थ्री होता है ठीक है थ्री को भी आप थ्री टाइम मल्टीप्लाई करो थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री तो डिवाइड में रखो आप सिक्स की पावर थ्री एसएच रखो एस एच ठीक है एक बार रखो बाद में सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करो फोर को आप थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा सिक्सटी फोर थ्री को थ्री टाइम्स करो कितना जाएगा ट्वेंटी सेवन देन वी आर हैविंग डिवाइड सिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे थ्री टाइम्स तो कितना आ जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स ठीक है तो हेयर विल बी को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना टू हंड सिक्सटीन सो इट विल थर्टी सेवन डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में वन ओवर टू हंड्रेड सिक्सटीन सो हेर आंसर विल भी थर्टी सेवन ओवर टू हंड्रेड सिक्सटीन ओके सो नेक्स्ट वी आर एट पार्ट इन एट्थ पार्टी विद थ्री माइनस थ्री बाई फोर की पावर माइनस टू की होल पावर टू अगर आपके पास कुछ ऐसा हो ना कि ए की पावर एम की होल पावर कुछ एन हो तो जो आपके पास यहाँ पे सेम सेम गिवन है मतलब तो क्लोज़ क्लोज गिवन है दो वैल्यूज तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन बन जाएगा कैसे देखो आपके पास दोनों ब्रैकेट्स के साथ साथ में ऐसे दो पावर्स गिवन है तो दो पावर्स को आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दिया करो तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री बाय फोर माइनस टू मल्टीप्लाई टू इन सेम से मतलब क्लोज़ क्लोज पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है है, तो कितना जाएगा माइनस थ्री बाई फोर की होल पावर माइनस फोर अभी माइनस फोर प्लस फोर में कैसे करोगे तो कितना जाएगा 4 over minus 3 की प्लस फोर बन जाएगी ना अभी तो आपको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई माइनस फोर ओवर थ्री मल्टीप्लाई माइनस फोर ओवर थ्री या तो आप फोर ओवर माइनस थ्री लिख लो या आप क्या करो माइनस फोर ओवर थ्री लिख लो एक बात ही है ठीक है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस एक बात ही होती है सेम ही होती है सभी दोनों कुछ तो कितना आ जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया इन चारों को मल्टीप्लाई करो फोर को तो आंसर कितना आएगा टू फिफ्टी सिक्स ओवर थ्री को मल्टीप्लाई करो फोर टाइम्स तो आंसर कितना आ जाएगा एटी वन सो है आंसर विल बी टू फिफ्टी सिक्स बाई एटी वन नाउ दिस नाइन्थ पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ क्योंकि ये सेम बिल्कुल एट पार्ट की तरह है वो आप खुद सॉल्व करोगे जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है ठीक है नाउ वी आर की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री की पावर माइनस वन डिवाइड वी आर हैविंग की पावर माइनस वन अब पहले सभी माइनस वन को कन्वर्ट करो प्लस वन में कैसे कन्वर्ट होगा की पावर मतलब one मल्टीप्लाई थ्री की पावर माइनस वन मतलब वन बाई थ्री डिवाइड वी आर हैविंग सिक्स की पावर माइनस वन मतलब वन बाई सिक्स ठीक है तो कितना आंसर अच्छा आ जाएगा वन मल्टीप्लाई वन मतलब वन फाइव थ्री इजर फिफ्टीन देन वी आर हैविंग डिवाइड वन ओवर सिक्स सो वन बाई फिफ्टीन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल प्रोकल सिक्स बाई वन सो आंसर विल बी सिक्स ओवर फिफ्टीन इसको थ्री के टेबल में कैंसिल कर दो थ्री टू जर सिक्स थ्री फाइव जर फिफ्टीन सो आंसर विल बी टू ओवर फाइव सो ना वी आर हैविंग सेकेंड क्वेश्चन इन सेकेंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद इफ वन वन टू फाइव इज इक्वल्स टू थ्री की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन फाइंड एम एंड एन अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना कि आपको ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करने और एक आपको वैल्यू एक्जैक्ट ऐसे गिवन है तो आपने क्या करना है जो आपके पास वैल्यू गिवन है ना इसकी फैक्टर्स निकाल लिया करो पहले तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे ऐसे करके सो वन वन टू फाइव सबसे पहले जाएगा थ्री पे कितने जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव पे दैन इट गो ऑन थ्री ऑन वन ट्वेंटी फाइव अगेन ऑन फाइव इट विल गो ऑन ट्वेंटी फाइव अगेन ऑन फाइव इट विल भी फाइव फाइव वन तो कितना आंसर आ जाएगा देखो मैं वन वन टू फाइव को लिख सकती हूँ थ्री की पावर टू मतलब थ्री को मैंने टू टाइम मल्टीप्लाई किया विच मीन्स थ्री की पावर टू और फाइव को मैंने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मतलब मल्टीप्लाई कर दो फाइव की पावर थ्री से इतना समझ आया कि मैंने वन वन टू फाइव का पहले फैक्टर्स निकाल लिया फैक्टर में जो आपको टर्म्स गिवन होगी उसके हिसाब से आपने पावर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है तो मैंने वन वन टू फाइव को कन्वर्ट कर दिया कितना आ गया थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव की पावर थ्री इज इक्वल टू आपको गिवन है थ्री की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कंपेयरिंग अब यहाँ पे लिखो कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे तो थ्री की पावर समथिंग है यहाँ पे थ्री की पावर एम है अगर यहाँ पे थ्री की पावर टू है तो थ्री की पावर एम एम कितना आ जाएगा एम भी आपके पास आ जाएगा टू सो so एम की वैल्यू कितनी आ गई टू सिमिलरली अगर फाइव की पावर थ्री है फाइव की पावर एन है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन विल भी थ्री ओनली सो आंसर कितना आ गया एम इज इक्वल्स टू टू एंड एन इज इक्वल्स टू थ्री ओके सो नाउ वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन इन थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन विद फाइंड x इफ़ नाइन मल्टीप्लाई थ्री की पावर x इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन की पावर टू एक्स माइनस थ्री मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आपको करना है जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लेना है नाइन को आप लिख सकते हो ऐसे नाइन का फैक्टर लेके थ्री थ्री वन तो आप नाइन को लिख लो थ्री की पावर टू थ्री की पावर टू थ्री थ्री जर नाइन मल्टीप्लाई थ्री की पावर रखो एक्स एसच क्योंकि थ्री का आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में और नहीं लिख सकते ये और ब्रेक नहीं होगा ठीक है इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन को मैं ब्रेक कर सकती हूँ ऐसे ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन थ्री थ्री वन तो ट्वेंटी सेवन को लिखो आप थ्री की पावर थ्री थ्री की पावर थ्री मतलब थ्री थ्री ज़र नाइन नाइन थ्री ज़र ट्वेंटी सेवन की होल पावर कितना आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री ठीक है अभी आपके पास क्या आगे बना है कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है थ्री की पावर समथिंग थ्री की पावर समथिंग मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स को आप कर दो ऐड पावर को मैंने ऐड कर दिया इज इक्वल्स टू नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया कि अगर ए की पावर एम हो और साथ में मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में एन पड़ा है तो आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया करो तो थ्री रखो एस सच ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो पावर्स को थ्री टू जो सिक्स एक्स आ जाएगा सेंटर में माइनस और थ्री थ्री जन नाइन आ जाएगा ठीक है अभी देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या आ गया बेस सेम आ गया अगर ऐसा ना हो कि ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एनओ इक्वल टू में दोनों बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम हो जाती है एम इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा तो बेस सेम है तो पावर सेम कर दो टू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस नाइन अभी आप क्या करो कांस्टेंट कांस्टेंट के पास ले जाओ वेरिएबल को वेरिएबल के पास तो टू रखो वैस माइनस नाइन विल गिव यू प्लस नाइन इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस एक्स नाइन प्लस टू इलेवन इज इक्वल्स टू फाइव एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इलेवन ओवर फाइव दिस यू विल as एज वैल्यू ऑफ एक्स ओके